हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद विनी। और आज की वीडियो में कॉमर्स का पार्ट 7 है और ये आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि आपका यूपी बीएड एंट्रेंस और यूजीसी नेट दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 131st क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज़ टू इम्प्रूव। जो मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन होता है वो क्या इम्प्रूव करने के लिए होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है कंपनी को चलाने के लिए, क्या करना है, तो वो सब इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉब इवेल्युएशन इज़ कैरिड ऑन मेनली फॉर। जो जॉब इवेल्युएशन किया जाता है वो मेनली किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिंप्लीफाइंग वेज एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये देखने के लिए कि किसने कितना काम किया, कितनी एफिशिएंसी से काम किया, कितने टाइम काम किया, तो उससे उनकी वेजेस डिसाइड होती है, उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है कि किसको किस रैंक पे रखना है, किस तरह की सैलरी उसको देनी है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस मैनेजमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड। इनमें से किसकी वजह से क्राइसिस मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट होता है? क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब एकदम से कुछ एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उनमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बुद्धिमानी से डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है? प्रूडेंट मैनेजरियल लीडरशिप। ये क्या होती है? जब एकदम से किसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो तुरंत जो डिसीजन लिए जाते हैं बुद्धिमानी से, उसको प्रूडेंट मैनेजरियल लीडरशिप कहते हैं। 134th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टास्क ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट टास्क क्या होता है? क्रिएशन ऑफ कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर का क्रिएशन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्व्ड मोस्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा सर्व किया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? ऑफिस वर्क को रेशनलाइज करना। ओके, रेशनलाइजेशन ऑफ ऑफिस वर्क। तो इससे क्या होता है? वर्कलोड कम हो जाता है और वर्क अच्छे से हो पाता है। डिविडेंड कैन बी पेड जनरली आउट ऑफ। डिविडेंड किस में से पे किया जाता है? करंट ईयर्स प्रॉफिट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपनी कैन फॉरफिट शेयर्स इफ द। एक कंपनी शेयर्स को जब्त कर सकती है अगर, कब जब्त करती है किसी के शेयर्स? इफ़ शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ द कॉल ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर शेयर होल्डर अपने कॉल्ड अप शेयर्स जो भी होते हैं उनको पे करने में फेल हो जाता है, जितना टाइम दिया होता है उसको उसके अंदर, तो फिर उसके जो शेयर्स होते हैं कंपनी फॉरफिट कर लेती है। द करंट रेशियो एंड द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो दिया है आपको 3:2 और करंट लाइबिलिटीज़ दिया आपको 40,000। तो बताओ करंट एसेट क्या होंगे? तो 3:2 दिया है, तो 2 का मतलब 40,000 है, मतलब करंट लाइबिलिटीज़, तो फिर ये इंटू 20,000, तो इसमें भी इंटू 20,000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60,000 आपका करंट एसेट्स। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड द मोस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इनमें से कौन सा रेशियो है जो सबसे ज़्यादा प्राइस लेवल चेंजेस को अफेक्ट करता है? तो वो है डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो। एनी पर्सन एग्राइव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल कैन अपील टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विद इन हाउ मच पीरियड। अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के डिसीजन से पीड़ित है, परेशान है, तो वो अपनी कंप्लेन कहाँ कर सकता है और कितने टाइम पीरियड में? तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है विद इन 60 डेज, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इनकमिंग पार्टनर परचेज हिज शेयर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देन। अगर कोई पार्टनर आता है और वो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर्स परचेज कर लेता है तो क्या होगा? टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म डू नॉट चेंज। तो फर्म की जो
जो टोटल एसेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, ये बाकी सारी चीज़ें उसमें होंगी। इफ द गुडविल रेज्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज टू बी रिटन ऑफ, देन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड इन। अगर जो गुडविल, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके द्वारा जो गुडविल रेज की जाती है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, तो जो कैपिटल अकाउंट्स होता है बचे हुए पार्टनर्स का, उसको किस में डेबिट किया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ कैन नॉट बी इशूड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा इनमें से कौन सी सिक्योरिटी इशू नहीं की जाती? डेफर्ड शेयर्स। डेफर्ड शेयर्स होते क्या हैं? ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो तब तक, तो इनका कोई राइट नहीं होता कंपनी के शेयर्स में जब तक कि प्रिफ्रेंस शेयर या कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाती है। जब बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर ये प्रिफ्रेंशियल शेयर्स और डिबेंचर की तरह काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द टूल यूज्ड बाय ऑडिटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क इज। वो कौन सा टूल है जिसके द्वारा ऑडिटर ऑडिट वर्क मॉनिटर एंड कंट्रोल द जो ऑडिट वर्क की प्रोग्रेस है उसको कंट्रोल करता है ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी डीलर सिस्टम? इनमें से कौन सा इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी डीलर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं है? तो ये गवर्नमेंट के लिए होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका नहीं है। टू स्ट्रेंथन द प्राइवेट इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। द ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उनका, वो किसका इम्पॉर्टेंट टूल है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मतलब कैश मैनेजमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत दी हुई है? तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी सब सही है। द RBI मैनेज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी थ्रू रेपोज। तो थ्रू रेपोज नहीं लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मैनेज करती है, RBI मैनेज करती है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट बॉय एंड सेल सिक्योरिटीज। अगला क्वेश्चन, विच स्टॉक एक्सचेंज वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होलसेल डेप्ट मार्केट इन इस सिस्टम इन द होलसेल डेप्ट मार्केट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन 1994? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर नॉट इशूड थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसके थ्रू इशू नहीं की जाती? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं की जाती। शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है वो किस लिए यूज़ किया जा सकता है? मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इसके लिए शेयर प्रीमियम अकाउंट यूज़ किया जा सकता है। बाकी ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट होता है ऑप्शन पढ़ने में। प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है रिटेनिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। जो बिजनेस से जो भी अर्निंग हुई है, जो भी कमाई है, उसको बचा के रखना आगे के एक्सपेंशन के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम करने हैं उसके लिए, मतलब आगे जो कंपनी बढ़ानी है या एक्सटेंड करनी है उसके लिए अर्निंग्स बचा के रखी जाती है, या कभी मुसीबत आती है तो जो पैसा चाहिए होता है उसके लिए ये बचा के रखी जाती हैं, उसको कहते हैं प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर स्केड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट विल बी।
तो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट होता है, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, उसको कॉल्ड अप कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको कॉल्ड अप कैपिटल में से डिडक्ट किया जाएगा। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लेस प्रायोरिटी इन केस ऑफ, इनमें से किसके केस में प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है। पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय, पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट की जा सकती है? एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट ओनली, एक नॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ सकती है। अ पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस, एक जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है कब? आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए सर्टिफिकेट जब उसको मिल जाता है तो फिर वो कंपनी अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आगे वीडियो अपलोड की जाएंगी। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।